देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की। आज हम चर्चा करेंगे जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन ऑन लिबर्टी, जो 1859 नामक ग्रंथ में निहित है, राजनीतिक दर्शन को यह एक अनुपम देन है। और उसी में मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी जो ग्रंथ है अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता के संबंध में लिखा है, स्वतंत्रता मिल की स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में मिल की गिनती होती है। स्वतंत्रता का प्रतिपादन विश्लेषण एवं चित्र धारा प्रभाव तार्किक शैली में किया गया। सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने कि बस स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, यानी मिल को डर था कि स्वतंत्रता का सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है, जो अपने बहुमत के जोर से उनको दबा देना चाहता है। यही एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में पुरानी पीढ़ी के उदारवादियों ने कभी विचार नहीं किया था। उनकी मुख्य समस्या यह रहती कि सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में से शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया, यानी जो जॉन स्टुअर्ट जो मिल हैं उन्होंने स्वतंत्रता के दो लक्षण बताए। पहला, व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर सर्वोच्च सत्ता रखता है, मिल के अनुसार अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी है और इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और उसे सौ से संबंधित समस्त कार्य करने की तब तक पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक कि वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। व्यक्ति को सीमा तक अपनी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता, जिस सीमा तक वो दूसरे व्यक्ति की नाक या सिर से नहीं रख रहा है। ये था पहला लक्षण। इसके बाद में जो दूसरा लक्षण है कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, लिबर्टी कॉन्सिस्ट इन डूइंग द व्हाट वर डिजायर्स, और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रण किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल से गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है तो उसे ऐसे पुल पर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि नदी में गिरने से किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं हो सकती। उसकी इच्छा पुल पार करने की है किंतु इसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है कि उससे जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है। तो यानी जेएस मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रकार बताए। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। विचार और जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मिल का विश्वास है कि बौद्धिक अथवा वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए हितकर है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। समाज और राज्य कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाए। मिल के मत में यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो, यदि एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो, तो उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं। यदि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति हो तो उसे मानव जाति को चुप करने का अधिकार नहीं होता। और इस जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जेएस मिल ने निम्न आधार पर व्यक्त किया। पहला है सत्य के दमन का भय। मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ समाज की उपयोगिता का दमन करना है। प्रत्येक विचार या मत में सत्य का अंश विद्यमान रहता है। सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधी जैसी है। हम सच्चाई के समग्र का दर्शन नहीं कर पाते किंतु अपने अनुभव के आधार पर आंशिक सत्य को भी पूर्ण समझने का आग्रह करते हैं। सत्य की पूर्ण वास्तविक रूप को समझने के लिए उसे विविध दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। उसके लिए व्यक्ति को विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वादे वादे जायते तत्व बोध, वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है।
विचार विमर्श, तर्क वितर्क एवं वाद विवाद से विचारों का स्पष्टीकरण होता है, विश्वास सुदृढ़ होता है, बुद्धि अनुप्राणित होती है, हम सत्य की झलक मिलती है। समाज के उत्थान के लिए मिल के अनुसार सामान्यतः समाज परंपरावादी वादी रूढ़िवादी होता है, वह नए विचार सुनना पसंद ही नहीं करता, जबकि समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़िवादी विचारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को बदल देना चाहते हैं। इतिहास द्वारा समर्थन, इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करता है। मिल सुकरात, ईसा मसीह और मार्टिन लूथर का उदाहरण देकर अपने तर्क की पुष्टि करते हैं। विचारों का अभ्यक्त को रोकने के लिए एक विलक्षण दोष एक ऐसा करना मानव जाति को आने वाली तो वर्तमान नस्लों को लूटना है। कई बार समाज कुछ नवीन और विलक्षण विचार वाले मनुष्यों को झक्की या सनकी समझता है, उनके विचार एवं व्यक्तित्व का तिरस्कार एवं अपमान करता है, जबकि सत्य यह है कि हर मौलिक चिंतक समाज सुधारक पहले जो नई बात करता है उसे सुनकर समाज चौंकता है। हर चिंतक एवं समाज सुधारक को पहले सनकी एवं शक्ति समझी जाती है, इसलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। दूसरा है कार्य करने की स्वतंत्रता। देखिए मिल ने जो दूसरी स्वतंत्रता है कार्य, देखिए मिल ने दो प्रकार कार्य बताया। पहला ऐसा कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के स्व से होता है, इन्हें वह स्व संबंधी कार्य कहता है। दूसरा वे कार्य जिनका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, जैसे प्रसंबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते, इन कार्यों का सीधा संबंध व्यक्ति के नितांत व्यक्ति कार्यों से होता है, जैसे सिगरेट पीना, खाना पाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, जुआ खेलना। वह सिगरेट पीने या खान पान खाए, शाकाहारी या मांसाहारी, आलू खाए या प्याज, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्व संबंधी ऐसे नितांत निजी कार्यों को व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मिल की मान्यता है कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है दूसरों पर नहीं, तब तक राज्य का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमता का सर्वोच्च विकास कर सकता है और सुख और कल्याण की अभिव्यक्ति कर सकता है। दूसरा है पर संबंधी कार्य। ये वे कार्य हैं जिनसे समाज और अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थान को गंदा करना आदि हमारे ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर और दूसरों पर प्रभाव डालने वाले कार्य को व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जा सकती है। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। एक व्यक्ति को अपने घर में मदिरापान की स्वतंत्रता है, किंतु यदि वह मदिरापान करके सड़क पर हुड़दंग मचाता है और पड़ोसियों की नींद हराम करता है तो इसके कार्य की छूट नहीं दी जा सकती। इसमें जो स्वतंत्रता है उसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं, जैसे खोखली और नक कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ने की संभावना होती है। समाज अथवा राज्य की सुरक्षा में संकट हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। राज्य पर बाह्य आक्रमण के समय सभी नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा की आशा की जा सकती है। जब किसी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे उसके सामाजिक कर्तव्यों के पालन में रुकावट आने की संभावना हो, उदाहरणतः मिल एवं मदिरापान को स्व संबंधी कार्य मानता है किंतु पुलिस के सिपाही को ड्यूटी पर शराब पीने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, क्योंकि उसको यह आशंका शराब पिया हुआ सिपाही शांति व्यवस्था के बजाय शांति भंग करने कार्य करेगा। व्यक्तिगत कार्य जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है राज्य के द्वारा रोके जा सकते हैं, जैसे आत्महत्या करना। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए ऐसे पुल से होकर जाता है जो टूटने की स्थिति ऐसी स्थिति में पुल से होकर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति नदी पार तो करना चाहता है परंतु नदी में गिरना नहीं चाहता। अतः उसकी पहली इच्छा नदी पार करने की अपेक्षा दूसरी इच्छा नदी में नहीं गिरने की है। तो ये थे व्यक्ति के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वह सब कार्य करने की स्वतंत्रता है जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। उसको विचार और है व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें सत्य के दमन का भय, सत्य के विभिन्न पहलू हो सकते हैं, वाद्यवादी तत्व जयते यानी सत्य की खोज की जा सकती है विचार विमर्श तर्क विवादों के द्वारा। समाज के उत्थान के लिए विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद में कार्य करने की स्वतंत्रता दो प्रकार की, एक व्यक्ति के निजी कार्य जिसमें उस पर किसी प्रकार द्वारा राज्य का हस्तक्षेप, दूसरा है
ऐसे कार्य जो पर विषय कार्य होते हैं जिनसे दूसरे कार्य में हस्तक्षेप, उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये जेएस मिल के स्वतंत्र संबंधी विचारों की हमने आज व्याख्या की है और इनका जो विस्तृत विवरण है आप ही देखिए।